गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इल्यूमिनेशन अध्याय का आज हम चौथा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी तीन वीडियो क्लासेस में थोड़ा सा रिवीजन कराया था, आज उस प्रकार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो तीन वीडियो में ये पहले हो चुका है। आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे से, जिसमें हम कैंडल पावर की परिभाषा को देखेंगे और समझेंगे कि कैंडल पावर होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आप कैंडल पावर को समझना चाहते हैं तो कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती और पावर का मतलब होता है उसकी शक्ति। तो कैंडल की शक्ति किस संदर्भ में मापी जा सकती है? प्रकाश के संदर्भ में। तो चलिए कैंडल पावर को आपको बताते हैं होता क्या है कि यह एक निश्चित दिशा में एक यूनिट सॉलिड कोण में, ध्यान से सुनते जाइएगा, यह एक निश्चित दिशा में एक यूनिट सॉलिड कोण में ल्यूमेन की संख्या है जिसे कैंडल पावर कहते हैं। तो कैंडल पावर आपको समझ में आया होगा कि कैंडल पावर का मतलब होता है कि अगर कोई पावर सोर्स है, पावर सोर्स आपको क्या लेना है, मतलब प्रकाश का स्रोत है और प्रकाश के स्रोत पे आपको कैंडल ही लेना है, एक कैंडल। तो अगर एक कैंडल लिया जाए और उसमें चेक किया जाए कि एक यूनिट के सॉलिड कोण में प्रकाश की कितनी मात्रा है, तो प्रकाश की मात्रा को हम ल्यूमन में मापते हैं। इसका मतलब हम देखेंगे कि एक कैंडल को जलाने से, कैंडल के स्रोत से एक यूनिट के सॉलिड कोण बनाने पर उस एक यूनिट के सॉलिड कोण में से कितने ल्यूमेन प्रकाश गुजर रहा है, यही कैंडल पावर कहलाता है। इसका चिन्ह क्या है? सीपी, मतलब सीपी का मतलब होता है कैंडल पावर। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए, जो कैंडल पावर है उसको क्या डिफाइन किया गया है कि एक शुद्ध मोम की बनी हुई स्टैंडर्ड मोमबत्ती, एक शुद्ध मोम की बनी स्टैंडर्ड मोमबत्ती जिसका व्यास 7/8 इंच है, जिसको हम एमएम में 22.225 mm लिख सकते हैं, और वजन 1/6 pound है, मतलब कि अगर उसको ग्राम में देखेंगे 75.6 gram है, को 120 ग्रेन्स या 7.76 gram प्रति घंटा के हिसाब से जले तो इसी को ही कैंडल पावर कहते हैं। तो यहाँ पे कैंडल पावर, एक कैंडल पावर किस प्रकार के प्रकाश स्रोत को कहा जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया कि स्टैंडर्ड मोम से बनी हुई मोमबत्ती जिसका कि व्यास जो है 7/8 inch है, और 7/8 inch को अगर आप mm में बदलेंगे तो 22.225 mm होगा, और वजन जो है इसका 1/6 pound, जिसको आप ग्राम में बदलेंगे तो लगभग 75.66 gram होना चाहिए। अर्थात एक कैंडल पावर, एक स्टैंडर्ड मोमबत्ती जिसका व्यास 22.225 mm होना चाहिए और वजन 75.66 gram होना चाहिए, अगर ये मोमबत्ती 120 grains या जिसको हम 7.76 gram कह सकते हैं प्रति घंटा के हिसाब से जले, तो यही एक कैंडल पावर के समतुल्य होगा। और देखिए कैंडल भी प्रकाश का स्रोत के तौर पे काम करता है और इलेक्ट्रिक बल्ब भी प्रकाश स्रोत के तौर पे काम करता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन कैसे होगा कि ये कितने कैंडल पावर के बराबर होगा? तो देखिए इंडियन जो कैंडल पावर होगा उसमें 0.0201 watt का कोई स्टैंडर्ड बल्ब है तो वो एक कैंडल पावर के बराबर होगा, और इससे जो प्रकाश निकलेगा वो 4 πL के बराबर उसकी मात्रा होगी।
अब हम देखेंगे मीटर कैंडल कि मीटर कैंडल क्या होता है। एक मीटर अर्धव्यास के खोखले गोल आकार के अंदर केंद्र बिंदु पर एक कैंडल पावर रखने पर उत्पन्न जो प्रकाश की मात्रा होती है उसी को एक मीटर कैंडल या लक्स कहलाता है। अभी आपको हमने कैंडल पावर के बारे में समझाया है, अब आपको हम मीटर कैंडल के बारे में समझा रहे हैं। तो मीटर कैंडल की परिभाषा आपको इस प्रकार से देनी है कि एक मीटर अर्धव्यास मतलब एक मीटर त्रिज्या का कोई खोखला गोला है और अगर उसके केंद्र पर एक कैंडल पावर का कोई प्रकाश स्रोत रख दिया जाए तो इससे जो उत्पन्न प्रकाश की मात्रा होती है उस गोले में यही क्या कहलाएगा, एक मीटर कैंडल कहलाएगा या जिसको हम लक्स भी कहते हैं। तो मीटर कैंडल की परिभाषा इतनी आसान सी है कि एक मीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर एक कैंडल पावर का कोई प्रकाश स्रोत रख दिया जाए तो इस गोले के अंदर जो प्रकाश की मात्रा उत्पन्न होगी उसी को एक मीटर कैंडल कहा जाएगा। अगला जो हेडिंग है इल्यूमिनेशन चैप्टर में मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है मीन का मतलब क्या होता है, औसत। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज। तो क्षैतिज में एक कैंडल पावर के कारण जो प्रकाश उत्पन्न होगा उसका औसत लेना ही क्या कहलाएगा, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। तो अगर जो हेडिंग है इसके शब्दों को ध्यान से पढ़ा जाए तो भी आपको थोड़ी सी परिभाषा समझ में आ जाएगी कि मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर का मतलब क्या है। कैंडल पावर का मतलब एक कैंडल पावर के समतुल्य कोई प्रकाश स्रोत लेना है और एक कैंडल पावर आपको समझाया गया है कि एक स्टैंडर्ड मोमबत्ती जो होगी जिसका व्यास 7/8 इंच होगा या जिसको हम 22.25 mm बोल सकते हैं और वजन 75.66 ग्राम है, अगर ये मोमबत्ती 120 ग्रेन्स या 7.76 ग्राम प्रति घंटा के हिसाब से जले तो उसी को कैंडल पावर कहते हैं। अब हमारी जो अगली हेडिंग है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, तो यह समतल सतह कि सभी दिशाओं के कैंडल पावर के औसत मान को ही मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर कहते हैं। अब इसको समझिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक कोई प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश स्रोत के केंद्र पर एक अगर समतल सतह की कल्पना की जाए तो समतल सतह पर उस प्रकाश स्रोत के द्वारा सभी दिशाओं में जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है इसी के औसत को हम क्या कहेंगे, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी प्रकाश स्रोत के केंद्र से एक समतल सतह को एज्यूम कर लीजिए और इस समतल सतह पे जो कुल प्रकाश की मात्रा उत्पन्न होगी इसी के औसत को मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर कहा जाता है। जिसकी परिभाषा हमने लिखाया भी है आपको कि यह समतल सतह की सभी दिशाओं के कैंडल पावर का औसत मान है, इसे MHCP अर्थात मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर भी कहते हैं। तो मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर का मतलब होता है कि प्रकाश स्रोत का जो केंद्र है केंद्र पे जो समतल सतह होगी उस समतल सतह पे प्रकाश स्रोत के कारण जो सभी दिशाओं में समतल सतह पर प्रकाश उत्पन्न होगा उसके औसत मान को ही मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर कहा जाता है।
अब अगला जो हेडिंग है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर की परिभाषा को अगर आप समझना चाहते हैं और अपने दिमाग में एक सटीक ढंग से फिट करना चाहते हैं, तो अगर आप हेडिंग को समझेंगे और उसके शब्दों को समझेंगे तो परिभाषा आप एकदम बिना याद किए भी दे सकते हैं। मीन का मतलब होता है औसत, स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, और कैंडल पावर का मतलब होता है कैंडल पावर। और कैंडल पावर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि एक मोमबत्ती के कारण जो स्टैंडर्ड मोमबत्ती होना चाहिए जो प्रकाश उत्पन्न होगा उसी को हम कैंडल पावर कहते हैं। तो अब बात ये आती है कि अभी जो हमें पढ़ रहा है वो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो आप इस बात की कल्पना करिए कि एक प्रकाश स्रोत है जिसका कैंडल पावर एक कैंडल पावर के बराबर है, तो इस प्रकाश स्रोत के द्वारा सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं का मतलब क्या होगा, गोलाकार आकृति आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि प्रकाश जो है वो सभी दिशाओं में निकलेगा, तो एक गोलाकार आकृति जैसे गोले की आकृति होती है उस तरह की आकृति में आपको एक कैंडल पावर के द्वारा जो उत्पन्न प्रकाश हो रहा है उसमें कल्पना करना है। तो यह सभी सतहों के दिशाओं के कैंडल पावर का औसत मान है, इसे मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कहते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में MSCP कहा जाता है। इसको मैं अपने आपको समझने के लिए एक आसान भाषा में बता रहा हूँ कि एक कैंडल पावर का कोई प्रकाश रूप अगर है और यह एक गोले के केंद्र पर रखा गया है प्रकाश स्रोत, तो इस प्रकाश स्रोत के द्वारा इस गोले के अंदर जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसका औसत मान ही मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कहलाता है। इससे पहले हमने जो देखा था मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, तो मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर की परिभाषा क्या थी कि प्रकाश स्रोत के केंद्र पर जो समतल सतह है उस समतल सतह पर सभी दिशाओं में जो प्रकाश उत्पन्न है उसके औसत मान को हम मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कहते थे, सॉरी मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर कहते थे। लेकिन अगर प्रकाश स्रोत एक गोले के केंद्र पर रखा गया हो तो इस गोले में प्रकाश स्रोत के द्वारा जो उत्पन्न कुल प्रकाश होगा उसके औसत मान को मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कहा जाता। तो ये दोनों ही परिभाषा यहाँ पे पर्याप्त होती है, अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं तो बिल्कुल सटीक आपकी परिभाषा होगी। अब तीसरा हमें जो देखना है मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। तो इससे पहले जो हमने परिभाषा पढ़ा अगर आप लिंक करके चलेंगे तो आपको कहानी ऐसे ही समझ में आती जाएगी कि पहले हमने पढ़ा क्या था मीन स्फेरिकल कैंडल पावर मतलब स्फीयर गोला को स्फीयर बोलते हैं, अब मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। तो हेमी का मतलब क्या होता है अर्ध गोला, इसका मतलब कि जो प्रकाश स्रोत होगा वो अर्ध गोले के केंद्र पर रखा गया होगा और इस प्रकाश स्रोत के द्वारा अर्ध गोले में जो कुल प्रकाश की मात्रा उत्पन्न होगी उसके औसत मान को मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर कहा जाएगा। तो आपको परिभाषा देने के लिए केवल और केवल हेडिंग पे अगर आप ध्यान देते हैं तो उससे ही परिभाषा डिराइव की जा सकती है। तो मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर का मतलब क्या हो गया कि किसी समतल सतह के नीचे सभी दिशाओं के कैंडल पावर का औसत मान ही मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर कहलाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी अगर ये जो परिभाषा लिखी गई है यहाँ से दिक्कत आ सकती है समझने में, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कोई अर्धगोला लेते हैं तो अर्धगोले के केंद्र पे अगर आप कोई प्रकाश स्रोत रखेंगे तो जो केंद्र है वो समतल सतह ही तो होगा, क्योंकि अगर आप कोई गोले आकृति की चीज़ को काटिए बीच से तो जो कटा हुआ भाग होगा ऊपर का वो क्या होगा समतल सतह होगा। Yeah.
तो मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर की जो परिभाषा लिखाई गई है कि किसी समतल सतह के नीचे सभी दिशाओं के कैंडल पावर का औसत मान, ये जो चार हम परिभाषा पढ़ रहे हैं इसमें औसत मान लगा हुआ है, इसका मतलब औसत जो प्रकाश की मात्रा उत्पन्न हुई उसका औसत के बारे में ही चर्चा की गई है। तो मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर के बारे में लिखा गया कि किसी समतल सतह के नीचे सभी दिशाओं के कैंडल पावर का औसत मान ही मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर कहलाता है। और मैं अगर इसको अपने भाषा में परिभाषा आपको याद कराना चाहूँ तो वो केवल और केवल हेडिंग के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई अर्धगोला है और अर्धगोले के केंद्र पे अगर एक कैंडल पावर का कोई प्रकाश स्रोत रख दिया जाए तो इस प्रकाश स्रोत के द्वारा जो अर्धगोले में, अर्थात समतल सतह के नीचे ही अर्धगोला है, तो अर्धगोले में जो कुल प्रकाश की मात्रा है उसका औसत मान ही क्या कहलाएगा, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। अब अगला जो हेडिंग है स्पेस हाइट रेशियो, तो इसका मतलब ये होता है कि यह लाइट के स्रोत में समतल दूरी और उनको टांगने की ऊंचाई के अनुपात को स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं। रेशियो का मतलब ही होता है अनुपात। स्पेस हाइट रेशियो का मतलब है कि जो लाइट का सोर्स है, जो लाइट का या जिसको हम प्रकाश स्रोत कह सकते हैं, तो लाइट के स्रोत में समतल दूरी और उनको टांगने की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है, स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं। तो स्पेस हाइट रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, बल्बों के बीच की समतल दूरी बटे में बल्बों की हाइट। अगला हेडिंग है रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी सतह पर गिरता है तो उसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, और उस सतह से कुछ प्रकाश टकरा करके वापस भी होता है तो उसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर इन दोनों, अर्थात इंसिडेंट लाइट जिसको हम आपतित प्रकाश और रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब परावर्तित प्रकाश के अनुपात को ही क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो लाइट का सतह पर पड़ना और फिर वापस उसी कोण से जाने के अनुपात को रिफ्लेक्शन फैक्टर कहा जाता है। तो ये तो परिभाषा लिखी लिखाई हो गई जिसको आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग से अगर सोचेंगे कि रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होगा तो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है और ये इल्यूमिनेशन के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब कि किसी सतह पे अगर प्रकाश गिर रहा है तो वो कुछ परावर्तित भी होगा, तो इन दोनों के ही अनुपात को क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन फैक्टर बोला जाएगा, जिसको हमने लिखा है लाइट का सतह पर पड़ना और फिर वापस उसी कोण से जाने के अनुपात को रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर होगा क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट बटे में इंसिडेंट लाइट। तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है सूत्र के तौर पे कि रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर होता है रिफ्लेक्टेड लाइट बटे में इंसिडेंट लाइट, इसका मान हमेशा एक से कम होता है। ये नोट के तौर पे आपको याद रख लेना है कि इसका मान हमेशा एक से कम होता है। अब अगला हेडिंग है फुट कैंडल, तो यह इल्यूमिनेशन की इकाई है। जैसे आपको मीटर कैंडल पढ़ाया गया था इसी प्रकार से फुट कैंडल है, तो यह इल्यूमिनेशन की इकाई है। तथा यदि एक फुट अर्धव्यास, आप याद रखिए कि मीटर कैंडल की परिभाषा मैंने आपको कैसे बताया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे यह है परिभाषा कि यदि एक फुट अर्धव्यास के खोखले गोल आकार के केंद्र में एक लाइट स्रोत को रखा जाए और एक ल्यूमन प्रति फुट प्रकाश उत्पन्न हो तो इसे एक फुट कैंडल कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आगे जो आपको क्लासेस पढ़ाई जाएगी उसको समझने में और इस पे आधारित प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।